महिला ने अपनी बड़ी बहू पर प्रॉपर्टी के विवाद में छोटे बीमार बेटे का अपहरण करवाने का लगाया आरोप। आजमगढ़ शहर कोतवाली के शिबली कॉलेज के सामने पहाड़पुर में अपने दामाद प्रोफेसर सलमान अंसारी के आवास पर बुजुर्ग शाहिदा खातून पत्नी स्वर्गीय नसीम मोहम्मद ने बुधवार को अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर अपनी बड़ी बहू पर अपने छोटे बेटे का अपहरण कराने का आरोप लगाया। बुजुर्ग शाहिदा खातून के अनुसार बड़ी बहू शबाना परवीन से उनका प्रॉपर्टी का विवाद है। शाहिदा खातून के अनुसार उनका छोटा बेटा जैद गंभीर हालत में मुंबई में कई महीनों से है। वही उसका लीलावती अस्पताल में इलाज चल रहा था। वहां से निकलने के बाद भी वही घर पर उसका गंभीर हालत में उपचार जारी है। इसके बाद भी साजिश के तहत उसका अपहरण करवा दिया गया है, जबकि वो 3 दिन से अपने बेटे से बात करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसके पास किसी ने मैसेज भेजा कि पुलिस उसको लेकर लखनऊ आ गई है, जबकि जैद के नाक में पाइप लगी है, दवा चल रही है, तो उसे कैसे मुंबई से लखनऊ ले आया गया, अभी भी उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। शाहिदा खातून ने शासन और पुलिस प्रशासन से अविलंब मामले को संज्ञान में लेते हुए जैद को छोड़ने की गुहार लगाए। ये इसलिए बुलाया इसलिए कि मेरा क्या नाम है, आज मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, सर पैर के बे खाए पिए बगैर नाक में पाइप लगा हुआ है, मुंह में हाथ पाइप लगा है और पाइप लगा हुआ है। अब मेरी बेटी दामाद जो है खाली नजीर, अब जो उसकी बीवी है उसको क्या नाम है, उसकी सारी मतलब सब कुछ तो उसको कंपनी से निकाल दिया, सब कुछ उसका सब ले लिया, शेयर ले लिया, वो ले लिया बड़े, और अपने ही शौहर को अपने हाथ मरवा दिया। कैसे पता चला आपको कि उसका किडनैप हो गया? अरे खबर आई लखनऊ से, पता चला, अननोन फोन आया था, हॉस्पिटल में था ना जी, क्या 3 दिन से फोन उसका नहीं मिला था हमको। अच्छा। तो खबर आई कि जैद को तो किडनैप कर लिया गया है, पुलिस ने किडनैप कर लिया है, और क्या नाम है उसको उठा लिया है, पुलिस ने उठाया जी, पुलिस ने उठाया है जो है, और लोगों ने भी जो सब मिले हुए हैं। अब क्या नाम है, अब झूठा इल्ज़ाम किया है कि जैद कह रहे हैं कि हम खालिद नज़ीर के यहाँ रहेंगे, अब क्या कितनी इसमें सच्चाई है वो तो ये तो नहीं कह सकता है। अब बात बनाने के लिए अपनी उसकी प्रॉपर्टी, अब सब क्या कह रहे हैं, जितनी प्रॉपर्टी है इसको ले लें, इसकी माँ को भी बुला करके उसको भी मार दें, इसको भी मार दें, इसकी सारी सब कुछ ले लें। तो क्या चाहती हैं आप शासन प्रशासन से, क्या चाहती हैं? कहती हैं हमको इंसाफ चाहिए, हमारा लड़का अभी दवा पे चल रहा था, अब क्या नाम है, कहीं जाता नहीं था, अस्पताल में रहता था, खाना पीना सब कुछ पाइप के जरिए होता था, लेकिन आप इसको जबरदस्ती उठा लिया है। लखनऊ किस हॉस्पिटल में रहते थे? लखनऊ में लीलावती में था, वो लीलावती में था। इस वक्त डॉक्टर ने कहा बगल ही में कमरा था तो आप ले लीजिए, यहीं पर रखिए, और मतलब इलाज चल रहा था लीलावती का, और उसी में मतलब बड़ा सा कपड़ा घर था, बड़ा सा कपड़ा वबड़ा था, उसमें आराम से आपके अनुसार आपका बेटा गायब हो गया है, पुलिस ने उठा लिया जी, जी उठा लिया है, अब उसका पाइप लगा हुआ है, वो ले लिया है, पता नहीं उसने खाना मिला कि नहीं मिला, दवा मिली कि नहीं मिली, अब बताइए उसके एकदम फूक फूक के कदम उसके लिए उसके ये रखा जाना था कि उस टाइम से खाना, टाइम से पीना, टाइम से सोना, अब बताइए इतना ज़बरदस्त उसके साथ जुल्म हो रहा है, अगर कुछ हो गया ना मैं अपने बेटे को नहीं कर सकती, बता दे रहे इसकी सूचना आपकी किसी आला अधिकारी को दी? हाँ सूचना तो इन लोगों ने सब दिया है ना, सब सूचना उसना सूचना दिया गया है आला अधिकारियों को। आप आखिरी बताइए क्या मांग कर रही हैं प्रशासन से? आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे लड़के को रिहा किया जाए, हमारे लड़के को रिहा किया जाए, उसको दवा दर्पण दिया जाए, उसको क्या नाम है उस अस्पताल में रखा जाए, घर पे रखा जाए। अब बताइए कैसे, अब उसके साथ क्या हो रहा है, हम तो यहाँ देख नहीं रहे ना क्या हो रहा है उसके साथ, क्या पुलिस कर रही है क्या नहीं कर रही है, वहाँ की पुलिस वहाँ के लोग, अब हम क्या बता रहे हैं आपसे, हमको इंसाफ चाहिए।